मुझे कोरिया जाना है BTS। की ये खास बात है कि यहाँ इस दीवारों पे पूरी रामायण लिखी हुई है, यहाँ चारों तरफ नीचे ऊपर सारा फ्लोर श्री बटुक भैरव जी के प्रवेश द्वार हम लोगों ने प्रवेश कर लिया है तड़ा, पर हम लोग पहले जाएंगे कामाख्या देवी के मंदिर फिर बटुक भैरव के, क्योंकि मम्मी ने बोला पहले काल भैरव पे ही पहले माता जी का पूजा होगा उसके बाद भैरव जी का। सो लेट्स गो। यहाँ मंदिर ये है कामाख्या देवी, ये देखो पूजा करते करते इसको वो दिखा जो इतना देर से दुकान में दिख रहा था, यह शीतला माता सबको पूजा करवाते हुए। और ये कामाख्या मंदिर ये लोग हाँ हो गया। और ये हमारे यहाँ पे हम लोग को मोबाइल जमा करना है मंदिर आगे। हम लोग हनुमान जी का मंदिर दर्शन कर लिए संकट मोचन के, अब जाएंगे किसी और जगह, भीड़ बहुत है। कौन देखो एक पुराना बिल्डिंग है, ये त्रिदेव मंदिर मम्मा। बड़ा सा है, इधर से जा नहीं सकते, इधर से जाना। ये खास बात है कि यहाँ इस दीवारों पे पूरी रामायण लिखी हुई है, यहाँ चारों तरफ नीचे ऊपर सारा फ्लोर दीवार में जब से देख सकते हैं पूरी रामायण लिखी हुई है। हाँ ये बहुत सुंदर है, यहाँ भी इतना सारा नाश्ता है लेकिन हम लोग को कुछ खाना नहीं है अभी। हम लोगों ने सिर्फ पीना आनी और वो आम पन्ना पिया, कल से हम और पेंसिल आम पन्ना पीने में लगे हुए, बहुत गर्मी है। बहुत मस्त मार्केट है, समीर है। ओ वाह गुलाब का माला, क्या बात है भाई। बहुत मस्त है लेकिन यार ये देखो मैं यहाँ इस पंखे की हवा खा रही हूँ, यहीं पे सब पूजा करने में लग रहा है। यहाँ कूलर चल रहा है, कूलर के पास आके बैठ गए। ये मेरा दूसरा कूलर है यार, दर्द कर रहा है, उतना नमक पानी किए उतना ऊँचा को कोई फर्क नहीं। सुबह सुबह आते ही घुटने पे इतना ज़्यादा प्रेशर दे दिया कि दिमाग काम करना बंद कर। अभी हम लोग होटल जा रहे हैं नाश्ता करने के लिए, साड़ी डिस्कस लाल हरा लाल कलर साड़ी कलर से तीन साड़ी खरीद के आई है, तीन वाली तक हम 3500 वाले और किसी थाली में सलाद खट्टे देंगे, दो प्लेट तो हमने खत्म भी कर दी। यहाँ पे हमारी थाली चल रही है सब, स्कैन करना फोन दो, पूरा प्लेट थाली सब खत्म हो गया। कहाँ पहुँचे हम लोग, सेकेंड टाइम। यहाँ का ककड़ी एकदम छोटे 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 छोटे, चलो ये देखो
कॉलेज कैंपस बस। ये रहा मंदिर। इस पेड़ में आम है, देखो कर दिखा। चल उधर पंचमुखी महादेव है, इधर एक मुखी फोटोग्राफर फोटो सेशन हो रहा। मम्मी वहाँ पूजा करने में लगी है, आशीर्वाद लेने में लगी है, सबको प्रसाद मिल रहा है। भाग रही है ना, देख थोड़े ना किराए दो क्या, सब भाग गई, सब भाग रहा है भाई, ऐसा क्या है, ये भाग रही है, सबका पैर जल रहा है। हम लोग शायद सारनाथ चलेंगे। चलो हो गया हम लोग का, आज पूरा दिन घूमने वाले हैं हम लोग, 12 बजे तक। ये 12 बजे हो रहा है, 12 घंटा है आई थिंक, सो उससे तो ज़्यादा ही होगा। सीधा प्रसारण हमारे ऑटो से, 10 तरीके से सोए हुए अभी, हमें नींद टूटा थोड़ा सा क्योंकि हम दोनों में से एक सीधे ऑटो के बाहर चले जाते, यहाँ पे महात्मा को तो पहली बार अथी दिए थे उपदेश। सो लेट्स गो। मुरझा गए पूरा धूप की वजह से, सब झांस के। यहाँ पे वो 4-5 लोग जिनको उन्होंने पहली बार क्या बोलते उपदेश दिया था। कमल का फूल पसंद है क्या? आप नहीं जाओगी? क्यों क्यों नहीं जाओगी? देखो इधर ये देखो, यहाँ पे लिखा कोरिया जाना है BTS, लिखा है 12th बोर्ड में इतना परसेंटेज चाहिए। यहाँ पे भी कुछ लिखा, प्लीज मुझे 60 में 85% यूट्यूब चैनल मोनेटाइज कर दो, रुको एक नया विश लिस्ट निकला है, चलो लिखो जेई 2023 बेचारे का निकला कि नहीं दी, चलो जल्दी वो यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो जाए। आई वांट टू बिकम रिच, बिकम अ डॉक्टर, आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर। हमारे अपने मैंने भी अपनी विश लिख दी, जेई एडवांस 2023 क्लियर हो जाए। अरे क्लियर सीधे क्लियर चाहिए उसको एडवांस, या बैठने का नहीं मिलता वो तो। मैंने भी तो लिखा मेरा यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो जाए, आई होप कि आप हो जाए, आई होप। अरे अरे आप चैनल सब्सक्राइब कर दो, मोनेटाइज तो हो ही जाएगा अपने आप। हाँ और शेयर करोगे तो ना नए लोग जुड़ेंगे। नमामि गंगे मिनी जूम का हार्दिक स्वागत है सारनाथ। कोई इसके अंदर मछली ऑरेंज ऑरेंज अगर तुमको दिख रही हो तो, उधर बहुत मछली है, इधर बहुत सारी। इन लोग का पानी गर्म हो गया होगा, सब ऊपर आ चुकी है मछलियाँ सारी। इधर सूख गया। अब यहाँ का भी सारनाथ का भी हो गया सब, अब चले हम लोग घर। नो टोपी, वहाँ कुछ लोग टोपी ले लो, ये ले लो, वो ले लो, और हम जो हाँ लेना नहीं है टोपी पहन के खींचना है पर। कैसा रहा तुम लोग का ट्रिप बताओ जरा? मजा आया, मैं तो ढेकार मार रही हूँ पानी पी पी के। क्या खा रही है आज कल पता चला कि हम हमारी बॉडी को कितना पानी चाहिए होता, हम कितना पानी पीते हैं, और हमको लगता है हम 2 गिलास में पानी नहीं पीते हैं। आज यहाँ पानी पीने में लगे हुए हैं, सारा पानी सोख जाता है। और यहाँ का ना गोलगप्पा मैंने ट्राई किया, गोलगप्पा
यहाँ का ज़्यादा जहर है ये बनारस में।